तो फाइनली गाइस हमारे पास आए हैं एप्पल के एयरपॉड्स प्रो, जो कि हैं एक क्लोन वर्जन जिसको मैंने अमेजोन से बाय किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी होने वाली है वो एकदम प्रीमियम क्वालिटी है। और गाइस इसकी खास बात यह है कि इसमें एप्पल का M1 चिप भी देखने को मिल जाएगा, और उसको आप एंड्रॉयड और iOS दोनों से ही कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं इसमें आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, सभी चीज़ें वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं, वीडियो करते हैं शुरू। तो गाइस ये है हमारा एयरपोर्ट्स का बॉक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी में। साइड में आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर नंबरिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि बारकोड वगैरह कंपनी मेंशन करके देखती है। साइड में आपको एक एप्पल लोगो है, और इधर भी साइड में आपको एयरपोर्ट्स प्रो है और वायरलेस इन केस चार्जिंग लिखा हुआ है। दूसरी साइड भी आपको एप्पल लोगो मिलेगा, और यहाँ पे जो है एयरपोर्ट्स की पिक है, और यहाँ पे कुछ मेंशन कर रखे हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी। उसके बाद हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ पेपर्स वर्क मिल जाएंगे, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। अगर आपको यूज करने में कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, तो आपको यहाँ पर इंग्लिश में जो है लिखा हुआ है मिल जाएगा, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। इसके फीचर्स वगैरह इसमें सब मेंशन कर रखे हैं, जिससे कि आप इजीली समझ जाएंगे। दूसरी जो बुक्स है इसमें भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो हम इसको भी साइड में रख देते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन कंटेंट है वो है एयरपोर्ट्स। फिलहाल हम इस एयरपोर्ट्स को निकाल के साइड में रख लेते हैं, क्योंकि हमें बॉक्स में देखना है और क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के, बहुत हार्ड पैकेजिंग करके भेजी है इन्होंने। और यहाँ पे आपको एक मिलेगा डाटा केबल। डाटा केबल आपको एक तरफ से सी टाइप का मिलेगा, और जो दूसरी तरफ है वो एप्पल का जो ओरिजिनल डाटा केबल होता है सेम उसी के आधार पर मिलेगा। और यहाँ पर जो लास्ट चीज़ है हमारी वो है एयर के जो रबड़ होती है, आपको 2 पेयर जो है वो एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। बाय द वे, अगर आपके ओरिजिनल एयरपोर्ट्स की जो रबड़ है कहीं निकल जाती, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं बॉक्स में और कुछ ज़्यादा खास नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे मैं एयरपोर्ट्स की जो रैप को उसको हटा लेता हूँ। गाइस जो एयरपोर्ट्स की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम देखने को यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेड बाय एप्पल कैलिफोर्निया, यहाँ पे एप्पल का। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं सी टाइप का डाटा केबल, जिससे कि आप चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फ्रंट में देख सकते हैं एक इंडिकेटर भी शो हो रहा है, जिससे कि आप ओपन करते हैं तो ये ग्रीन कलर का कुछ हो जाता है, और चार्जिंग के टाइम ये रेड हो जाता है। तो हम इनको निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ओसम किस्म की मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे आपको साइड में जो ओपन की तरफ है ब्लैक बार देखने को मिल जाएगा, और दोनों में ही टच बटन दिए हुए हैं, जिससे कि आप इजीली इनको एक्सेस कर सकते हैं। और गाइस इनमें आपको एंड्रॉयड के लिए गूगल असिस्टेंट, और iOS एप्पल के लिए इसमें सीरी देखने को मिल जाएगी। तो गाइस ये हमारा जो चार्जिंग केस है, ये एक वायरलेस चार्जिंग केस भी है, आप इसको वायरलेस चार्ज भी कर सकते हैं। तो आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जो अफोर्डेबल प्राइस में आपको इतने का मिल रहा है, तो इतने में आपको एप्पल का ओरिजिनल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एप्पल का जो एयरपोर्ट्स आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। तो आप इस क्लोन वर्जन को ले सकते हैं। तो गाइस हम इनको कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास है iPhone XR, तो मैं इसको एप्पल से कनेक्ट करके देख लेता हूँ। तो मुझे सबसे पहले इनको एयरड्रॉप्स को अंदर डालना होगा, क्योंकि इसमें लगा है M1 का चिपसेट, जो कि पॉपअप विंडो के लिए होता है, जैसे कि एप्पल एयरपोर्ट्स ओरिजिनल में होता है। तो इसमें भी सेम ऐसे ही कनेक्टिविटी होने वाली है। तो सबसे पहले अपने मोबाइल की जो ब्लूटूथ ऑन करनी पड़ेगी मुझे, तो मैंने यहाँ पे ब्लूटूथ को ऑन कर दिया है। और जैसे ही हम केस को अप करते हैं, मतलब ओपन करते हैं, तो हमारी स्क्रीन पे एक पॉपअप विंडो आता है। तो इसके लिए कुछ आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो बैटरी वगैरह जो है वो दिखा रहा है, कितने परसेंट चार्ज है, केस कितना परसेंट है, और हमारे जो एयरड्रॉप्स हैं वो कितने परसेंट चार्ज हैं। तो यहाँ पे सिंपली ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जो कि क्लोन वर्जन में नहीं होती है, लेकिन आपको इसमें देखने को मिल रही है। जैसे ही आप पॉपअप करते हैं विंडो को, तो आप देख सकते हैं ओपन क्लोज करते हैं, तो आपके सामने आईफोन में जो है एक पॉपअप ओपन होता है, जो कि रियलिटी में एक ओरिजिनल एयरपोर्ट्स में होता है। तो गाइस जब भी आप इनको कनेक्ट करो, तो ये दोनों एयरपोर्ट्स हैं आपको बॉक्स के अंदर डालने पड़ेंगे, उसके बाद ही ये कनेक्ट हो पाएंगे। जैसे कि मैंने ओपन करा है, तो मेरे सामने पॉपअप आ गया है, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो है एयरपोर्ट्स वो कनेक्ट हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे कोई भी एक YouTube पे सॉन्ग चला लेता हूँ। गाइस इसके जो टच बटन होते हैं, आप इसको डबल प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट सॉन्ग पे चले जाएंगे, और सिंगल करेंगे तो आपका सॉन्ग वगैरह कोई भी पॉज हो जाएगा। गाइस आप इन एयरपोर्ट्स की मदद से अपनी सीरी को भी एक्सेस कर सकते हैं, जो कि आपके
एप्पल मोबाइल में होती है या गूगल असिस्टेंट हो एंड्रॉयड में हो तो आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ टाइम के लिए टच बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मैंने एक ऑडियो भी चला दिया है। तो गाइस आपको इतना महसूस नहीं होगा बट मैंने इसको यूज किया है काफ़ी दिन से, 4-5 दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसकी साउंड क्वालिटी वो बहुत ही ज़्यादा एकदम, मैं ये कहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बट आपको ओरिजिन ना लेके आप इन क्लोन वर्जन से भी अपना काम चला सकते हैं बट आपको पैसे की दिक्कत हो तो। बट अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ओरिजिन की तरफ जा सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। गाइस तो इसकी साउंड क्वालिटी वगैरह, बिल्ड क्वालिटी वगैरह और बैटरी बैकअप से लेकर मुझे सभी चीज़ों से ये अच्छा लगा और प्राइस के हिसाब से भी मुझे काफ़ी अफोर्डेबल लगा, जिससे कि मैंने इनको लिया और आपके सामने एक अनबॉक्सिंग वीडियो लाया। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ के साथ वीडियो को लाइक भी करो और एक प्यारा सा कमेंट भी करो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।